जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो अघोर रोग मुक्ति की साधना है। देखिए, आज की डेट में बहुत से लोग परेशान हैं कि कोई ना कोई रोग उनको घेरे हुए हैं, और किसी किसी को तो ऐसी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं कि उनसे पार पाना संभव ही नहीं है। देखिए, ज़्यादातर एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाएं हैं उन पर लोग आधारित हैं, और आयुर्वेद को तो बहुत कम लोग, पहली बात तो जानकारी नहीं है आयुर्वेद के इतने, और अगर हैं भी तो उनकी उनकी किसी को पता नहीं है। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो इन अंग्रेजी दवाओं से बिल्कुल भी आप इनसे निजात नहीं पा सकते हैं, और ऐसे रोगों के लिए साबर मंत्र में भी मैंने बहुत सारे साबर मंत्र आपको बताए हैं, उससे रोग निवारण आप कर सकते हैं। और भी वैदिक मंत्र भी बताए हैं, मृत संजीवनी विद्या का एक मंत्र भी मैंने आपको बताया है कि रोग निवारक, सर्व रोग निवारक मृत संजीवनी मंत्र है वो, किसी भी प्रकार का रोग हो। और कई रोग तो ऐसे होते हैं कि पीछा जल्दी से छोड़ते ही नहीं हैं, जैसे कि किसी के पैरों में दर्द हमेशा ही रहना, किसी को बाएं वगैरह की समस्या हो जाती है कि भाई उसको उठने बैठने चलने में परेशानी होती है, किसी को मोटापे की समस्या है तो वो भी एक रोग ही है, किसी को ब्लड प्रेशर की या शुगर की प्रॉब्लम है वो भी रोग है। लेकिन इन रोगों का अंग्रेजी दवाओं में कोई इलाज नहीं है। हाँ, आप दवाई खाते रहोगे तो ठीक रहोगे, दवाई जहाँ आपने छोड़ी तो उसके बाद फिर वैसे ही। तो देखिए, कई असाध्य रोग जो होते हैं, और कुछ रोग तो ऐसे होते हैं कि वो पकड़ में ही नहीं आते, उनका पता ही नहीं लगता कि रोग है क्या। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जो मैं आज ये अघोर रोग मुक्ति की साधना मैं आपको बता रहा हूं, आप इस प्रयोग को जरूर करें। ये प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली है। रोग मुक्ति के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग बताए, पर लेकिन ये अघोर रोग मुक्ति प्रयोग है, जो भगवान शिव का अघोर रूप है, अघोरेश्वर की साधना, उस साधना में ही ये रोग मुक्ति का ही एक प्रयोग है। और इस प्रयोग को आप किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको पूर्ण रूप से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रयोग है बहुत तीव्र प्रयोग है, ये इस प्रयोग को आप जरूर करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप रोग मुक्त रहें, ठीक है? तो देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक रोग मुक्ति यंत्र की आवश्यकता होगी, जो कि ताबीज के आकार का होगा, ठीक है? और एक रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी, और बहुत से लोगों ने तो रुद्राक्ष की माला पहले से ही ली हुई है, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित, तो उनको रुद्राक्ष माला लेने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी माला से जाप कर सकते हैं जिन्होंने रुद्राक्ष की माला ली हुई है हमारे यहाँ से। और जिन्होंने नहीं ली है तो वो इन दोनों सामग्रियों को, आपको ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त मिलेंगी, और इसके ऐसी सामग्री अगर आपको चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? सामग्री आपको 100% मिलेगी। अब मैं दूसरा आपको बता देता हूं कि आपको ये प्रयोग कब से करना है और किस प्रकार से करना होगा। देखिए, ये प्रयोग किसी भी रविवार से कर सकते हो, किसी भी मंगलवार से कर सकते हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये प्रयोग कर सकते हो, जो भी शुभ मुहूर्त हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये गुरु पुष्य योग है या फिर ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये भी शुभ मुहूर्त होते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो, होली दीपावली इनमें भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये साधना आपको रात्रि में ही करनी होगी, और इसमें काले रंग का आसन आपका होना चाहिए, ऊनी आसन काले रंग का, ठीक है? और जो
आपके सामने जो लकड़ी की चौकी है उस पर लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए बिछा हुआ, ठीक है। और गुरु चित्र अवश्य होना चाहिए, जो भी आपके गुरु हैं। और अगर भगवान शिव को ही गुरु माना है तो फिर उनका ही चित्र काफी है आपके लिए। और वैसे भी शिव की प्रतिमा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये अघोरेश्वर यानी कि शिव की ही उपासना है। और इसमें आप क्या करेंगे, लाल रंग के ही वस्त्र या सफेद रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और देखिए, अगर रोग आपके हैं, मतलब कि आप अपने लिए कर रहे हैं, तो भी आपको संकल्प लेना है, ठीक है। और अगर किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेकर के ही ये साधना आपको करनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम तैयार होकर के, और अपने ही या तो पूजा घर में या फिर अपने किसी भी एकांत रूम में, जो भी आप जहाँ पर भी आप साधना करते हैं वहीं पर आप बैठ जाएंगे, और सामने एक चौकी रख लेंगे, और जो आपका मुख है वो मुख आप उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठेंगे, ठीक है। और जो सामने गुरु का चित्र जो होना जरूरी है, एक भगवान शिव का चित्र होना जरूरी है, और साथ में ही या तो आप थोड़ी सी राख ले लें, जो उपले की राख होती है, जो कंडे होते हैं उनकी राख होती है, तो उसकी राख ले लें, थोड़ी सी राख बनाकर ढेरी बना लें, और उसके ऊपर जो रोग मुक्ति यंत्र है, जो ताबीज के रूप का है, उसको आप स्थापित कर दें, ठीक है। और स्थापित करने के बाद बराबर में ही एक घी का दीपक जला दें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें। और उसके अलावा जैसे कि चावल हैं, पुष्प हैं, और स्नान के लिए थोड़ा सा जल ले लें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। सबसे पहले गुरु पूजन इसमें अनिवार्य है। अब आपको क्या करना होगा कि जैसे कि दोनों हाथ जोड़ करके और अपने गुरु का ध्यान करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं। और अगर जो मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो उन्हीं का चित्र सामने रखेंगे, और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो भगवान शिव का ही पूजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चित्र है उसको ओम निखलम स्नानम समर्पयामि, तो थोड़ा सा जल लेकर के चित्र के ऊपर आप देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको चित्र को, मतलब कि आपने गुरुजी को स्नान कराया है ऐसी भावना मन में लाएं, और उसके बाद उस प्रतिमा को पहुंच करके, और फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है कि ओम निखलम कुमकुम समर्पयामि, और सीधा गुरुजी को टीका लगाना है, ओम निखलम अक्षतान समर्पयामि, और थोड़े से चावल चढ़ा देने हैं आपको, ओम निखलम पुष्पम समर्पयामि। तो आपको क्या करना है, पुष्प जो है वो गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दें, ओम निखलम नैवेद्यम नैवेद्यामि, यानी कि जो आपने भोग के लिए जो भी प्रसाद रखा है उसका भोग लगा दें, ओम निखलम धूपम आघ्रापयामि, यानी कि धूप दिखाएं और दीपम दर्शयामि, दीपक को भी गुरुदेव को दिखाएं। और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये रोग मुक्ति के लिए साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर जो मेरे गुरु भाई हैं वो अपने गुरु मंत्र का ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, और जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो उसी प्रकार से भगवान शिव को गुरु मान करके उनकी ही पूजा करेंगे, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप
जरूर करें। जब आप इतना कार्य कर लेंगे उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के और फिर संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, कि मैं फलाने रोग के लिए, यानी जो भी आपका रोग है उस रोग की मुक्ति के लिए, उस रोग के निवारण के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरा रोग जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इतना कहकर के जल को जमीन पर छोड़ दें। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आपको इसमें क्या करना है कि अपना नाम बोलें कि मैं अपने पिता का नाम, गोत्र, और उसके बाद बोलें कि उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम बोलें और उसके पिता का नाम और उसका गोत्र, और फिर उसके बाद कहें कि इस व्यक्ति के इस रोग के लिए, उस रोग का नाम लें, इस रोग के निवारण के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और इस उस व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिले और वो पूर्ण तरह से ठीक हो जाए। इस प्रकार से एक संकल्प ले लें और जल को जमीन पर छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद जो रुद्राक्ष की माला है उस माला से आप जाप शुरू कर दें। अब जो अघोर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्राम रीम हूम अघोरेभ्यो सर्व सिद्धिम देहि देहि अघोरेश्वराय हूम ह्राम हूम रीम राम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और ये कम से कम सात माला का जाप होना चाहिए। ज़्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो भाई, ज़्यादा तो आप 11 माला भी कर सकते हो, 21 माला भी कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही लाभ आपको ज़्यादा और जल्दी मिलेगा। और कम से कम ये साधना 11 दिन तो आपको जरूर करनी है। अगर आप चाहें कि आपको और भी जल्दी लाभ और भी तीव्रता के साथ मिले तो फिर 21 दिन करें इस साधना को, ठीक है। और जब आप रोज मंत्र जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि उस जो राख रखी हुई है ना, जो आपने या तो अष्टगंध की ढेरी लगा ले, पर अष्टगंध अब आजकल ओरिजिनल मिलता कहाँ है, तो राख ले लेना थोड़ी सी, जो आपने ढेरी लगाई हुई है उस राख में से ही एक चुटकी राख लेकर के, और उस रोगी को जितने दिन आप मंत्र जाप करेंगे उतने दिन टीका लगाएं उसको, ठीक है। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो थोड़ी सी राख उठा करके अपने भी टीका लगा लें उसका, ठीक। और फिर आपको क्या करना है कि जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए तो वो जो यंत्र है, जो ताबीज रूप का यंत्र है, उस यंत्र को काले धागे में डाल करके और उस रोगी के गले में डाल दें जिसके लिए आपने ये प्रयोग किया है, या अपने लिए किया है तो फिर अपने गले में डाल लें। आप देखोगे कि उसको कैसा भी गंभीर रोग हो उसकी तबीयत में निश्चित रूप से सुधार होने लगेगा। ये अघोरेश्वर की साधना है और बहुत तीव्र साधना है। इसमें आपको जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तन से मन से हर प्रकार से, गलती नहीं होनी चाहिए कुछ भी। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिल दुखे, जिसको आघात लगे किसी और व्यक्ति को, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें। बाकी अपनी दिनचर्या के प्रत्येक कार्य आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो ये जो साधना है ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है जो मैंने आज आपको बताई है, क्योंकि ये साधना अघोर साधना होने के कारण
इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही तीव्र है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।